जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मैथ का नया क्वेश्चन सीखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का यह क्वेश्चन फिक्स से आता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसे एकदम सरल तरीके से समझेंगे और आज ही हम लोग बनाना इसे सीख भी जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको ये समझ में आ जाए तो कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल से आपको समझाऊंगा, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देता है, सिद्ध करें कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec a। आपको प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा कि इतना बराबर इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला है इसको आप LHS मानोगे, इसको क्या मानोगे, ये आपका LHS का काम करेगा और ये जो आपको लाना है वो आपका काम करेगा RHS का। वो किसका काम करेगा, RHS का। तो हमको क्या करना है, LHS से RHS लाना है। क्या करना है, LHS से RHS लाना है। तो पहले आप लोग सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन LHS से RHS लाना है, ये इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है, कैसे आएगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहला आप लोगों को काम करना है, जो आपका पहला टॉपिक दिया उसको आप LHS पहले जरूर लिखिएगा। तो यहां पर आप लोग LHS लिखिएगा। LHS लिखने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन को हूबहू वैसे ही उतार दीजिएगा, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए और फिर प्लस में लिखिएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये आपका क्या हो गया, यानी कि आप पहला लाइन मतलब कि सॉल्व कर रहे हो, ये आपका LHS का पहला लाइन हो गया। अब इसके बाद हमको कैसे सॉल्व करना है वो हमको समझने वाली बात है। तो आप लोग बचपन में 2 या फिर 3 क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके होंगे बराबर का जोड़ कैसे निकालते हैं, बराबर का जोड़ घटाव कैसे बनाते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप ही बताइए 1/2 + 1/3 का आप बराबर का जोड़ कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक लकीर खींचेंगे, फिर 2 और 3 कैल्शियम निकालेंगे, अगर 2-3 कैल्शियम नहीं निकलेगा तो आपस में गुणा करके 6 कर देंगे, फिर देखेंगे 2 के पावर में 6 कितना बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 से 1 से गुणा करेंगे। ठीक वैसे यहाँ पर भी प्रोसेस करेंगे। ये सब प्रोसेस आप लोग मतलब कि बहुत छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे, बहुत ही छोटे क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करना है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर कॉस साइन के रूप में करना है और वहाँ पर आपको अंक के रूप में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का अगर आप लोग क्या निकालते हो, एलसीएम निकालते हो, तो एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आपको गुणा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, आप दोनों का एलसीएम निकालिए, गुणा ही समझ लिए, गुणा ही होगा। तो 1 प्लस साइन ए दोनों का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर मिलेगा आपका कॉस ए मिलेगा, यानी कि हम दोनों का एलसीएम निकालिए, क्या निकालिए, दोनों का एलसीएम निकालिए, यानी कि दोनों का आपस में गुणा कर दिए, एलसीएम नहीं निकलेगा। तो अब देखेंगे 1 प्लस साइन ए में और इन दोनों में भाग देंगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो इन दोनों को ऐसे ढंप लीजिए, तो इन दोनों को ढंप लीजिएगा, तो क्या बचेगा, तो कॉस बचेगा और कॉस बचेगा, तो कॉस कॉस में गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक वैसे ही दोस्तों कॉस में और इन दोनों में भाग दीजिएगा तो ये वाला और ये वाला आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए और ऊपर भी बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए में गुणा करिएगा तो 1 प्लस साइन ए का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए सेम है। जैसे कि आप लोग एक फॉर्मूला याद किए होंगे, a + b (a + b) इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग फार्मूला पढ़े हैं ना, फार्मूला में ये याद किए होंगे, तो a प्लस बी का दी होल स्क्वायर ये डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट होता है। ठीक वैसे ही दोस्तों दोनों सेम है, तो हम 1 प्लस साइन ए का दी होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको a प्लस बी का फॉर्मूला तो याद होगा, सबको a प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो यहाँ पर मैं लिख कर आपको समझाता हूँ। a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², ये तो आप लोगों को फॉर्मूला याद है। अब उस ऊपर हम लोग वही काम करेंगे, तो सबसे पहला लाइन हम क्या करते थे, जो एलसीएम दिया है, सॉरी जो आपका LHS दिया उसको हम लोग उतार लिए, फिर हम क्या करें, हमको थोड़ा लगा कि इसको अगर बटअप का जोड़ बनाते हैं तो कुछ तो हमको मिलेगा, तो जैसे हम बटअप का जोड़ बनाए तो ऊपर हमको लगा यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और प्लस इसका आप 1 + a + b का दी होल स्क्वायर बैठाइए तो 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा, प्लस 2ab, तो 2a = 1 और b = sin a, तो sin a हो जाएगा, a = 1 है तो 1 में गुणा करिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए b² तो b =
साइन ए, तो साइन ए का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाटा में पूरा क्या आ जाएगा, बाटा में आ जाएगा आपका वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए बचेगा और इनटू में आपका कॉस ए बचेगा, कॉस ए बचेगा। और आप लोग एक फॉर्मूला याद किए होंगे, एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, अच्छे से देखिएगा, आप लोग एक फॉर्मूला याद किए होंगे त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। याद किए कि नहीं किए, याद पारिये आप लोग याद किए, तो ये देखिए ये दोनों मिलकर आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों को गौर से देखिए, दोनों आपस में प्लस में है, तो दोनों मिलकर क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, वन मिलेगा कि नहीं, ये दोनों मिलकर वन मिल जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पर भी वन है सिंगल में, तो वन और वन टू हो जाएगा, और ये आपका टू फिर साइन ए हो जाएगा, टू साइन ए हो जाएगा, तो देखिए तो कितना छोटा हो गया, और बाटा में आपका वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए हो गया, ठीक है, और इनटू में आपका कॉस ए हो गया। देखिए कितना छोटा होते जा रहा है और साथ में हमको आंसर भी मिलते जाएगा, ठीक है। अब और आगे चलिए, एक लाइन और बनाइए, एक लाइन और बनाइएगा, यहाँ से देखिए इसमें भी दो है और इसमें भी दो है, तो दो कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन लीजिएगा तो वन बचेगा यहाँ पर और वहाँ पर साइन ए बचेगा, साइन ए बचेगा। और नीचे देखिए, नीचे आपका ऑलरेडी जो दिया है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, नीचे छेड़खानी हमको नहीं करना है, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों और ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों सेम है कि नहीं, तो सेम है तो वो तो कट जाएगा। अब ऊपर का बचेगा दो बचेगा, नीचे का बचेगा आपका कॉस ए बचेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको दो गुणे वन बटे कॉस ए कर देते हैं, क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो में एक में गुणे करिएगा तो दो मिलेगा और बटा में कॉस ए है तो कॉस ए, क्योंकि हम लोग फार्मूला एक जानते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं सेक ए बराबर वन बाई कॉस ए होता है, वन बाई कॉस ए होता है, तो वन बाई कॉस ए की जगह पर क्या सेक ए नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका टू सेक ए हो जाएगा। और हमको पता चला कि आर एच एस में हमको यही लाना भी है, तो आर एच एस लिख के यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि हमारा ये आर एच एस सिद्ध हो गया, क्या कोई दिक्कत है। इतना आपको अच्छे से सरल तरीके से एक एक टॉपिक को बताया, अगर ऐसे में नहीं समझ में आया तो कैसे मैं आपको समझाऊं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए तो अपना राय, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों जितना भी पांच नंबर वाला क्वेश्चन है आपके मैथ के, सब हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बता देंगे, तो सबसे पहले बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए आप कमेंट करके जरूर हमको बताइए, ठीक है।